से बनाया जाता है। ये देखिए दूसरी साइड भी ये जो है, ये देखिए देखिए गाइस हरियाली तीज हो रही है। हेलो, ये देखिए गाइस हरियाली तीज आ रही है। ऐसे आप अपने घर में रखें। तीज के दिन आज समक जो है सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा है। देखिए तो गाइस मीठी खिचड़ी बनती है, मीठे चावल, मीठी खिचड़ी नहीं। अच्छा मीठे चावल भाई, मैम कह रही मीठे चावल बनते हैं। ये देखिए कैसा टेस्ट आ रहा है। मस्त। आज मैंने बनाया, कैसा लगा आपको? कैसा लगा है? और खाओगे क्या है आज, कुछ बताओ। और क्या किया आपने सुबह उठ के हरियाली तीज में? क्या किया आपने सुबह उठे? तेज बोलो। सुबह उठे, जौ और सरसों के फूल लगाए और मीठे चावल बनाए थे, भगवान जी को चढ़ाए थे। हम खा रहे हैं। तो कह रही थी मैंने क्या किया, ये किया माता से, माता श्री ने फिर उसके बाद ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। कैसे आप लोग ऐसा कर पाओगे, कुशल मंगल होंगे। और सुबह के जो है 10 बज चुके हैं और मम्मी की भी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। आज हरियाली तीज भी है तो सबको तीज 26 जनवरी। और आज के दिन मम्मी जो मीठे चावल बनाती है तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि मीठे चावल कैसे बने हैं। गाइस मीठे चावल बनाए हैं और मैं जो है टेस्ट करके बताऊंगा हमें कैसे बने हैं। तो हम टेस्ट करते हैं इस तरह से मीठे चावल किस तरह के बने हैं। माँ के हाथ पे जो चावल मज़ा है वो किसमें है, बहुत ही टेस्टी हुआ है। मुझे टेस्टी बना, मुँह में घुल जा रहे हैं चावल, मीठे चावल आपको क्या देखी थी इसमें। नारियल भी थोड़ा सा डाल लगा, वैसे भी माँ के हाथ में जो अलग ही बात होती है, जो भी हमारे घर का खाना होता है बेस्ट होता है। फेस्टिवल में जो भी पकवान बनते हैं बहुत ही बढ़िया। बादाम भी डालेंगे।
गाइस आप भी अपने घर में आपकी मम्मी ने बनाए होंगे मीठे चावल, टेस्ट करिए। मेरी मम्मी ने एक नंबर बनाया, मज़ा आ गया। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए